हाँ बेटा, कल लास्ट रिएक्शन कौन सी हुई थी बेटा? एक बार कोई बच्चा मैसेज करे जरा, कल लास्ट रिएक्शन कौन सी कराई थी आपको? कल लास्ट रिएक्शन शायद, और शायद आपकी मुझे याद है सर, क्लिमेंसन रिडक्शन। ठीक है ठीक है, क्लिमेंसन अपचेन आपको करा दिया था। क्लिमेंसन अपचेन के बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे बोल्फ किशनर अपचयन। बोल्फ किशनर अपचयन, बोल्फ किशनर अपचयन। बोल्फ किशनर अपचयन क्या है कि जब हम क्या करते हैं, जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया किससे करते हैं? हाइड्रेजन से करते हैं, तो क्या बन जाता है? इमीन बनता है, इमीन बनता है। किसका निर्माण हो जाएगा भैया? इमीन का निर्माण हो जाएगा। और जब हम क्या करते हैं, इमीन बनता है जिसका सोडियम इथोक्साइड या पोटेशियम इथोक्साइड से अपघटन करने हाइड्रोकार्बन बन जाता है। क्या कह रहे हैं आपसे? CO ग्रुप हमने ले लिया, H2N NH2, हाइड्रोजन ले लिया हमने, यहाँ पर क्या बन गया? H2। क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड NNH2। ठीक है, -H2। अब यहां हम क्या करेंगे, N2 रिमूव कर देंगे, क्या बन गया? CH। ये क्या बन गया? यहाँ पर हाइड्रोकार्बन यहाँ पर बन गया। तो इस तरीके ये क्या हो गई? बोल्फ किशनर अपचयन हो गया। बोल्फ किशनर अपचयन से हमने किसका निर्माण कर लिया? ये हाइड्रोकार्बन का। क्लियर भैया? ये आपके लिए नॉमिनल ये कंडीशंस हो गई, नॉमिनल ये रिएक्शन हो गई। लिख लें, मतलब इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, थोड़ा फास्ट स्क्रीनशॉट लेंगे आप। नेक्स्ट, आगे देखें भाई। नेक्स्ट अपन देखें इनोलीकृत एल्डिहाइड व कीटोन का हेलोजनीकरण। इनोलीकृत एल्डिहाइड व कीटोन का, कीटोन का हेलोजनीकरण। मैडम पानी, हेलोजनीकरण। देखो बेटा, ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, इनोलेट क्या होते हैं। इनोलेट क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन इनोलेट का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, जो कि इनोलेट का निर्माण करेंगे। और इनोलेट का निर्माण करेंगे तो ये क्या होंगे? जो कि अनुनाद के कारण स्थायी होंगे। क्या हो जाएंगे? अनुनाद के कारण स्थायी हो जाएंगे। देखें, पहले भी बताया था, दोबारा एक बार देखें। यहां से यदि हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, तो ये यहां से क्या बन जाएगा? माइनस, और ये सी डबल बॉन्ड है, इसमें क्या हो जाएगा? अनुनाद। क्या बन गया यहां पर? ये क्या बन गया? ये इनोलेट का यहां पर निर्माण हो गया। क्लियर भाई? अब जिनमें भी अल्फा एच है वो सभी क्या काम करते हैं? इनोल अवस्था के फॉर्म में, अवस्था की फॉर्म में हेलोजनीकरण करने की प्रवृत्ति करते हैं। जैसे
मैंने आपसे कहा ये हमने H ले लिया और ये मैंने क्या ले लिया X2 इससे रिएक्ट करा दी, और X2 की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा दी है, तो ये H और ये X याद। अब ये क्या हो गया अल्फा हेलोजन, मतलब अल्फा हेलोजन की जगह क्या आ गया यहाँ पर हेलोजन आ गया, तो ये क्या कहलाएगा अल्फा हेलोजनीकृत इनोलेट, अल्फा हेलोजनीकृत इनोलेट की अवस्था ये आपकी हो गई। बात क्लियर बेटा हो। अब यहां यदि अपन इसमें देखें आगे, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, हाँ जी देखें आगे। देखो जैसे आपसे मैंने कहा कि मैंने एक यौगिक यहाँ पर ले लिया और इस यौगिक के अपन प्रॉपर रिएक्शन करें, सपोज इसकी हमने बी आर टू से रिएक्शन। बेटा इस यूनिट के खत्म होने के बाद आपके नोट्स आपके पास होंगे जो आपको पहले दिए हुए हैं, उन्हीं को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको लिखाया नहीं जाएगा, केवल मैं आपको समझाऊंगा अगली यूनिट में। ये अल्फा एच है तो यहां से एच बी आर निकलेगा कि वो एच की ये आपकी कंडीशन क्या हो गया अल्फा हेलोजनीकृत एल्डिहाइड और कीटोन यहां पर बन गए। क्लियर बेटा। अब यदि हम इसमें आगे देखें तो आगे इसमें आता है आपके लिए इसकी क्रियाविधि, क्रियाविधि देखो क्रियाविधि में क्या है कि यह क्रियाविधि अम्ल तथा क्षार दोनों द्वारा उत्प्रेरित होती है, यानी कि हम इसको अम्लीय माध्यम में भी कर सकते हैं और इसको क्षारीय माध्यम में भी हम यहां पर इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब यहां यदि अपन देखें तो पहला एक पॉइंट क्षार उत्प्रेरित, मैंने यहां CH3CO ले लिया, इसकी रिएक्शन Br2 से कर रहे हैं OH- की प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में की जाएगी OH- की प्रेजेंस, OH माइनस क्षार है तो अल्फा एच को लेकर के ये अलग हो जाएगी और क्या बनाएगी CH3CO काम करते हैं क्वेश्चन मार्क CH3CO CH3 किससे रिएक्शन करेंगे OH माइनस से, क्षार उत्प्रेरित है क्या निकल जाएगा H2, क्या बन गया CH3CO CH2 माइनस प्लस ऑफ H। अब ये जो माइनस पार्ट है ये अनुनाद के कारण स्थाई है, तो हम यहां पर पहले अनुनाद दर्शाएंगे, क्या गया दैत्य इसमें हम अनुनादी संकर इसका बना दें, दोनों तरफ ये स्थानांतरित होगा जिसकी वजह से इस पर अनुनादी संकर बनेगा। अब इस अनुनादी संकर पर हम सीधे रिएक्शन कर रहे हैं किसकी Br2 की, तो Br2 की रिएक्शन करने पर यहाँ Br आ जाएगा और साथ में Br-3। ये कौन सी मैकेनिज्म हो गई इसकी क्षार उत्प्रेरित क्रियाविधि ये इसकी हो गई। क्लियर बेटा ये क्या हो गया इसकी क्रियाविधि है, इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लें।
देखें नेक्स्ट अम्ल उत्प्रेरित क्रियाविधि, अम्ल उत्प्रेरित क्रियाविधि क्या होगा? CH3CO CH3। हम इसकी रिएक्शन किससे करते हैं? Br2 से H प्लस अच्छा अम्ल की प्रेजेंस में। सबसे पहले क्या होगा कि अम्लीय माध्यम है तो ये H प्लस जाकर कहाँ जुड़ेगा? ऑक्सीजन। CH3CO H प्लस CH। ठीक है भाई, जब यहाँ पर एक H प्लस होगा तो इसके साथ में एक B माइनस भी होगा, पूरा कंपाउंड जैसे HCl H2SO4, तो H प्लस निकलेगा तो माइनस पार्ट भी होगा, वो माइनस पार्ट यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और पार्टिसिपेट करके यहाँ B माइनस इसके अल्फा H को निकाल के अलग हट जाएगा और जो कंपाउंड पहले था वो ही बन जाएगा। डबल बॉन्ड हो H यहाँ प्लस और यहाँ पर CH2 माइनस। अब यहाँ ये माइनस है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच के क्या बना लेगा? CH3C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ डबल बॉन्ड और ये CH2, ये इसका यहाँ पर ये पार्ट बन गया। अब यहाँ यदि हम इसी पार्ट पर इसकी Br2 से रिएक्शन करें, Br2 से रिएक्शन करेंगे तो Br प्लस इस पर रिएक्शन करेगा, Br प्लस रिएक्शन करेगा तो ये माइनस पार्ट इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये यहां जुड़ जाएगा और क्या बनेगा? CH3C प्लस सिंगल बॉन्ड CH2Br और यहाँ OH। जब यहां पर प्लस है तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन से लेगा, ओवरऑल CH3CO CH2Br plus of H plus। ये क्या होगी? इसकी रिएक्शन होगी, ये H प्लस यहां बचे हुए H माइनस मतलब Br माइनस की रिएक्शन करके HBr बना देगा। इस तरीके से इसकी दोनों अभिक्रियाएं जो हो गई अम्ल उत्प्रेरित और चार उत्प्रेरित अभिक्रियाएं हो गई। लिख लें इसको, मतलब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें भैया। ले लिया, चले आगे देखें। हेलो फॉर्म अभिक्रिया, इसी में कि हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या क्या होगा? एल्डिहाइड तथा कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें CO समूह उपस्थित होता है क्या होगा? जिनमें क्या चीज उपस्थित होगी? CH3CO समूह उपस्थित होगा, उनकी अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से कराने पर किससे कराएं? हैलोजन से। हैलोजन से कराने पर हैलो फॉर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाएगा? हैलो फॉर्म का। देखें CH3CO यहां मैंने जेड मान लिया, कुछ भी हो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसकी रिएक्शन किससे कर देंगे? सपोज मैंने Br2 से कर दी, किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में, तो यहां से ये हट जाएंगे, -3 ऑफ HBr बनेगा।
और थ्री ऑफ एच बी आर जब यहाँ बनेगा तो यहाँ थ्री बी आर थ्री सी ओ जेड ये बन जाएगा। अब हम इसका यदि क्षारीय जल अपघटन करें क्या बनेगा, सी एच बी आर थ्री प्लस जेड सी ओ ये इसकी अपघटन, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर हेलो फॉर्म बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, हेलो फॉर्म अभिक्रिया। लिख लें इसको, स्क्रीनशॉट लें बेटा। देखें दोबारा देखें, सी एस थ्री सी ओ जेड यहाँ हमने अभिक्रिया की किसकी, थ्री बी आर की, एल्फा एच ये है, जितने एल्फा एच हैं तीनों के तीनों एल्फा एच बी आर के साथ निकल के थ्री एच बी आर निकलेंगे और बी आर यहाँ आ जाएंगे, थ्री बी आर थ्री सी ओ जेड। अब ये समूह जो बना है इसकी रिएक्शन हम किससे करते हैं, एन यू एस एच, क्षारीय जल अपघटन करते हैं, क्षारीय जल अपघटन करेंगे तो इसका एच और उसका बी आर सी बी आर थ्री सी एच बी आर थ्री बन जाएगा और बचा हुआ जेड सी ओ ओ एन ए, ये इसकी यहाँ पर रिएक्शन होगा। हाँ बेटा सेकंड स्टेप जो पूछ रहा था बच्चा, क्लियर, आगे देखें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। नेक्स्ट, आपके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड एवं कीटो, हमें क्या करना है, असंतृप्त अल्फा बीटा की हमें बात करनी है कि असंतृप्त अल्फा बीटा क्या होंगे, क्या होते हैं असंतृप्त, ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा तथा बीटा स्थितियों के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है। अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन कहलाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं आपसे, सी 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 डबल बॉन्ड ओ, यहाँ एच लगाओ सी एच सी लगाओ कुछ भी लगाएं अपन और ले लें, अल्फा बीटा गामा डेल थीटा सॉरी अल्फा बीटा गामा ओमेगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी अपन यहाँ पर लिखे चले, जैसे एग्जाम्पल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ सी एच ओ क्या बनेगा, एक्रिल एल्डिहाइड प्रोटॉन एल्डिहाइड ठीक है। अब यदि हम बात करें दूसरी तरफ कीटोन की, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी ओ सी एच थ्री क्या बन गया, मैथिल वाइनिल कीटोन, इसका निर्माण हो गया यहां पर मैथिल वाइनिल कीटोन का, क्लियर। इस तरीके से ये क्या है, अल्फा बीटा एल्डिहाइड और कीटोन, स्क्रीनशॉट ले लें भैया। नेक्स्ट,
देखें क्रियाशीलता एवं विन्यास, क्रियाशीलता एवं विन्यास। तो देखें देखो इन यौगिकों में क्या उपस्थित है, सी डबल बॉन्ड सी भी उपस्थित है और सी डबल बॉन्ड ओ भी उपस्थित है। अब ये जो समूह है इसके सापेक्ष ईएआर रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही युग्मक, और इसके सापेक्ष क्या होती है, एनएआर होती है, नाभिक स्नेही युग्मक। दोनों तरीके की ये अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही युग्मक अभिक्रिया है। यदि मैं यहां पर एक सिंपल सी अभिक्रिया हम लेके चलें, मैं इसको इधर दिखा, यदि अपन यहां अनुनाद की बात करें, सपोज मान के चलें यदि कोई ये बंद यहां टूटता है, तो जब ये बंद यहां टूटेगा तो इस पर सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ओ, यहाँ कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, अनुनाद है, अनुनाद की कंडीशन है, तो क्या होगा, यहाँ फिर से ये कंडीशन आएगी सी डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, और यहाँ यानी कि यहाँ जो अभिक्रियाएं होंगी वो केवल कहाँ पर होंगी, इस जगह पर और इस पर, इस बॉन्ड पर नहीं होगी ना इस बॉन्ड पर होगी, अनुनाद के कारण इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इसकी अभिक्रियाएं होने लगेंगी। बोलो भैया इसमें डाउट थोड़ा सा कोई भी जिसको हो, हाँ जी चलो देखिए, स्क्रीनशॉट ले ले पहले इसका, ले लिया होगा शायद। चलो तो हम बात करें, इसमें पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिक्रिया, कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया किस प्रकार इसमें होगी। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक हम अभिक्रिया करें, और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जब हम करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। हमने यहाँ पर C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ले लिया, इस पर हम H प्लस का आक्रमण करेंगे। कहाँ कर सकते हैं H प्लस का, हो सकता है ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाए, जिसकी वजह से H प्लस कहां आक्रमण करेगा, इस जगह यहां क्या आ गया, क्या गया यहां पर प्लस आ गया। हो सकता है कि यहां H प्लस कहां अटैक करे, हाँ भाई यदि मैं यहां देखूं कितने H आएंगे एक और यहां कितने आएंगे दो, मार्कोनिकोफ का नियम कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है, तो धनात्मक कहां जुड़ेगा इस पर, यानी कि कभी भी हम देखें तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो यदि ये इस तरीके से होगा तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ जुड़ेगा तो सी एच सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ क्या जुड़ जाएगा एच, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ भी अनुनाद होगा, यहाँ भी अनुनाद होगा, यहाँ जब अनुनाद होगा तो अनुनाद में ये इधर जाएगा OH, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ जब अनुनाद होगा तो अनुनाद में इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएं, किसकी तरफ जाएं, कार्बन की तरफ चले जाएं, कम विद्युत ऋणी वाले की तरफ चले जाएं, तो ये उपयुक्त अवस्था नहीं होती। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से चला जाए एक बार, तो हम यहाँ देखें तो किस तरीके से बनेगी, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे डबल बॉन्ड
सी, यहां भी डबल बॉन्ड आएगा ओ और यहां क्या आएगा प्लस आ जाएगा। अब यहां देखें कम ईएन कार्बन पर धनावेश अधिक स्थायी और अधिक ईएन ऑक्सीजन पर धनावेश कम स्थायी। इस पर धनावेश क्या होगा, कार्बन पर है कम ईएन वाले पर है, यहां धनावेश ज्यादा ईएन वाले, इसलिए कम स्थायी संरचना और ये क्या होगी अधिक स्थायी संरचना। एक कम स्थायी संरचना हो गई, एक क्या हो गई अधिक स्थायी संरचना हो गई। अब इन दोनों संरचनाओं के बेसिस पर देखें तो आगे संरचना में कौन भाग लेगा, यही भाग लेगा, यानी कि मुख्य उत्पाद के रूप में ये आएगा और वो सह उत्पाद के रूप में बनेगा। बात क्लियर हुई होगी भैया, तो एक बार लिख लें इसको फटाफट से। चल नेक्स्ट, मैडम को पूछ तो नहीं आया कुछ, चले आगे देखें। अब ये हमें समझ में आ गई बात कि हम पहले वाले की तरह ही योग करेंगे, लेकिन योग करेंगे तो होगा क्या, तो हम बात करते हैं कि हम एक एग्जांपल यहां ले लें HBr का योग। हम नॉमिनली HBr का योग कर रहे हैं तो हमने क्या ले लिया सी एच डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमने यहां पर ले लिया। इस पर हम एच बी आर का योग करेंगे, कौन सा योग करना है ई ए आर इलेक्ट्रॉन स्पिन योग। क्या होगा सबसे पहले एच बी आर टूटेगा एच प्लस प्लस बी आर माइनस, सबसे पहले वही H प्लस आक्रमण करेगा, कंडीशन इसी की तरह यहां जुड़ जाएगा क्लियर। अब देखिए यहां यदि अपन आगे देखें इसमें कि यहां पर अनुनाद है, अनुनाद के कारण डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और जब ये इधर जाएगा तो C सिंगल बॉन्ड C यहां पॉजिटिव और पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव की वजह से यहां OH, ये इसकी संरचना। अब पॉजिटिव इस जगह है तो इस पॉजिटिव पर किसका एडिशन होगा Br- का, और Br- का जब इस पर एडिशन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से यहां Br। अब देखो यदि हम इसमें देखें तो यहां डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है, कौन सी अवस्था है इनोल अवस्था, और डबल बॉन्डेड कार्बन पर है तो इसको हम क्या बोलते हैं चलावयवता, और चलावयवता के कारण ये H इस पर जाएगा और ये बॉन्ड यहां आएगा, जिसके रिजल्टेंट क्या होगा सी 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 ओ, हाँ जी यहां भी आर यहां एच यहां डबल बॉन्ड क्लियर भैया, और यहां पर जैसे ही ये आ गया तो यहां क्या हो गई आपके इसकी कंडीशंस पूरी। अब गौर से यहां आप देखो आते हैं एच बी आर के योग में एच एल्फा कार्बन पर तथा बी आर बीटा कार्बन पर जुड़ गया, मतलब हमें कुछ नहीं करना केवल इस बॉन्ड पर रिएक्शन करनी है, एक साइड में क्या जोड़ना है
एच जोड़ना एक साइड में बी आर। लेकिन अब भैया गौर से देखें, जब हम इसको नॉमिनली करती है अभिक्रिया को तो हम बी आर को यहां जोड़ते थे, लेकिन अब हम इसके आधार पर कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि यहां पर पॉजिटिव आएगा और यहां पर नेगेटिव आएगा, यानी एज ए एंटी मार्कोनिक ऑफ की तरह आप इसमें एडिशन को रिप्रेजेंट करोगे। तो एक बार भैया इसको स्क्रीनशॉट ले लो मैं, जिससे आपको नाभिक इसने योगात्मक और एक बार बता दूं और आपकी ये यूनिट कंप्लीट तो भी हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी बेटा ये यूनिट कल फाइनली कंप्लीट आपकी हो जाएगी, और परसों से और कल से ही अपन अगली यूनिट स्टार्ट भी कर देंगे, लास्ट यूनिट आपकी कोई भी एक। आपके जो नोट्स आपके पास हैं आप उन नोट्स को निकाल लेना, एक यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे कोई सी भी, या तो इसके अगले वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल कर देंगे, नहीं तो नाइट्रोजन वाला कर देंगे। वैसे नाइट्रोजन वाला करने का विचार है मेरा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की कई सारी रिएक्शन इसमें आ चुकी हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत आपको होगी नहीं। नोट्स नहीं है तो अरुण सर से संपर्क करें, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, देखें आ गया। अब ये हमने जो योग किया है, अब हम इस योग को दूसरे योग में कन्वर्ट करें, किसका योग करें हम यहां पर NAR के आधार पर। देखो बेटा NAR के आधार पर यदि हम यहां पर देखें तो पहले किस पर योग होगा, NAR जब अभिक्रिया करता है तो उसकी सिंपली अभिक्रिया NAR में एक ही होगी कि NU माइनस आक्रमण करेगा, माइनस पार्ट, और माइनस पार्ट किधर आक्रमण करेगा, माइनस और प्लस कहां पर जुड़ जाएगा, यहां, और जब ये यहां जुड़ेगा तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C O माइनस यहां NU आ। क्लियर भी है, क्या आ गया यहां पर NU आ गया। यदि ऐसा नहीं होता, कोई दूसरा इसमें कंसेप्ट लग जाए तो क्या होगा, कंसेप्ट कैसे लगेगा कि हमने एक प्रभाव पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। हम क्या कहते हैं, किसी अभिकर्मक आक्रमणकारी अवस्था की उपस्थिति में पाई बंध का एक ओर स्थानांतरित हो जाता है, आक्रमणकारी अवस्था ये हो गई जिसकी उपस्थिति में ये इधर माइनस और ये प्लस, और जब ये यहाँ टूटेगा तो माइनस प्लस कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाएंगे, ये माइनस आ गया ये प्लस आ गया। अब इस प्लस के कारण यहाँ पर अनुनाद होगा, डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, ये बन। अब यहां इसमें एक माइनस यहां आ गया और प्लस यहां आ गया, तो इसमें जो अभिक्रिया अपन करेंगे वो अभिक्रिया किसके अनुरूप करेंगे, कि यहां एन यू कहां जुड़ जाएगा, इस जगह क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ एन यू, और लास्ट में कौन जुड़ जाएगा, ई प्लस पॉजिटिव पार्ट कहां पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर बोले भैया, और इसमें डाउट कौन हो, ऊपर कितना रह गया उसमें, हाँ जी बात क्लियर भैया, ये आपका क्या होगा, इस तरीके से इसमें आपकी अभिक्रिया होगी। तो रिमेनिंग आपके लिए कल, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका फटाफट से, कल बेटा आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी,